हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की पाठशाला शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेम ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों के नाम। ठीक है बच्चों, चलिए। पीकॉक, PEACOCK, PEACOCK, पीकॉक यानी मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना बच्चों। पीहेन, मोरनी। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान है याद करना। आपने पी लिखा, मटर की स्पेलिंग PEA, और उसके आगे मुर्गे की स्पेलिंग आपने लगा दी, ठीक है, COCK, कॉक। यहाँ पर भी आपने पी लिखा और HEN, हेन, मुर्गी की स्पेलिंग आपने लगा दी, और आपका पीकॉक और PEN हो गया। और आगे चलते हैं, क्रो, क्रो यानी कौवा। कुकू, कुकू यानी कोयल। दोनों एक तरह से दिखाई देते हैं, और हमेशा कोयल जो होती है, ये कोयल है, ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है, यानी अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। स्पैरो एंड पिजन। स्पैरो गौरैया है ना, ये गौरैया है ना। ये गौरैया है, स्पैरो और पिजन कबूतर दोनों घरों में पाली जाती है। स्पैरो यानी गौरैया और पिजन यानी कबूतर। डक, DUCK, डक, डक यानी बतख। स्वान, स्वान यानी हंस, ठीक है, SWAN, स्वान, स्वान यानी हंस, और डक यानी बतख, DUCK, डक। ईगल एंड वल्चर। ईगल का मतलब होता है चील, ठीक है बच्चों, और वल्चर गिद्ध। EAGLE ईगल और VULTURE वल्चर, ये दोनों बहुत बड़े पक्षी हैं और आकाश में बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं। आगे देखते हैं कौन से पक्षी हैं। हॉक, HAWK, हॉक। हॉक यानी बाज, ये छोटा पक्षी होता है, और चील और गिद्ध की तरह ये भी शिकारी पक्षी। गिद्ध जहाँ मरे हुए जानवरों का मांस खाता है, वहीं हॉक यानी बाज छोटे पक्षी या चिड़िया या चूहे इन सबको पकड़ ले जाता है। आउल, OWL, आउल, आउल यानी उल्लू। ये रात को देख सकता है, यानी रात्रिचर है, रात को ये निकलता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। ठीक है बच्चों, चलिए। आउल के बाद हमारे पास है पैरट, जिसको आप लोग मिठू तोता बोलते हैं, है ना। ये है हमारा पैरट, PARROT, पैरट। पैरट को मिर्च पसंद होती है ना, आप घरों में भी पालते हैं। अगले आगे है ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। इसके अंडे सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, नारियल के बराबर। नारियल आपने देखा है ना, इसके अंडे काफ़ी बड़े होते हैं, और ये रेगिस्तान में पाया जाता है। ये उड़ नहीं सकता, पर अपने लंबे लंबे पैर हैं ना इसके, अपने पैरों से ये बहुत तेज गति से दौड़ता है। और आगे हमारे पास दो पक्षी हैं, देखिए, कॉक और हेन। कॉक और हेन यानी मुर्गी और मुर्गा। ये हमारा कॉक हो गया और ये हमारा हेन, मुर्गी और मुर्गा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पेंगुइन,
पेंगुइन बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। ये भी उड़ नहीं सकता, इसके देखिए छोटे छोटे पंख हैं। इनका प्रयोग ये तैरने के लिए करता है, ठीक है। बर्फीले पानी में ये बहुत तेजी से तैरता है और मछलियाँ इसका प्रमुख भोजन है, ठीक है बच्चों। तो आपने आज सीखा बहुत सारे पक्षियों के इंग्लिश नाम और उनके विषय में थोड़ी जानकारी हासिल की। चलिए आप इन्हें अपनी कॉपी में उतार लीजिए। थैंक यू।